गुड मॉर्निंग क्लास, योर होस्ट एंड दोस्त अनिल कुमार सिंह, योर कंप्यूटर टीचर अगेन विद द न्यू सेगमेंट ऑफ द HTML विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. सो हमने कुछ डिस्कशन किए थे HTML के रिगार्डिंग. आज हम उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे. व्हाट इज़ HTML? HTML के कुछ कोर पॉइंट हमने डिस्कस की थे लास्ट क्लास की. अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज़ द डिस्कशन इन द लास्ट क्लास? HTML, व्हाट इज़ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. मीन्स हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज विच इज़ रिटन ऑन द हाइपर टेक्स्ट. It means if you want to create a web page, you need the hypertext markup language editors. HTML को use करने के लिए कुछ editors की बात की गई थी, जिसमें मैंने एक Notepad का नाम लिया था और एक Bitsync का नाम लिया था. दो editors बताए थे आपको मैंने. तो वो दोनों editors आपके HTML code को write करने के लिए लिखे जाते हैं. Next one is browsers. Browser is the application software which is required for प्रोग्राम रनिंग. इट मीन्स आपको जब रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, देन वी नीड द ब्राउजर्स. देर आर सो मैनी ब्राउजर्स इन द मार्केट, यू नो वेरी वेल, द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टैग्स, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट. लास्ट टॉपिक हमने यही डिस्कस किया था, वॉट इज द टैग, वॉट इज एलिमेंट एंड वॉट इज एट्रीब्यूट. तो मैंने इसको समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. हेयर वी आर स्टार्टिंग विद द HTML हेड टाइटल. My first page, title close, head close, then body. My name is Anil. I am your teacher. Body close, HTML code. थोड़ा सा हमें इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली कि HTML कोड लिखा कैसे जाता है, और इसी में मैं आपको बताऊंगा what is tag, what is element and what is attribute. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं. फर्स्टली हम लोग बात करते हैं टैग्स की. तो दीज कोड्स आर कॉल्ड टैग्स. ये टैग्स दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज ओपनिंग टैग, जिसे आप लोग ऑन टैग कहते हैं. सेकंड वन इज ऑफ टैग, जिसे आप लोग क्लोजिंग टैग कहते हैं. इट मींस जब भी आप किसी टैग को ओपन करेंगे तो आपको उसे क्लोज भी करना पड़ेगा. अदरवाइज उसके बीच में जितना भी आप लोग कंटेंट लिखते हैं, जिसे आप लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं, वो किसी भी काम का नहीं होता है. एग्जाम्पल के तौर पर, इफ आई हैव ओपन द HTML, आई हैव टू क्लोज द HTML टैग. If I had write the head tag, I have to close the head tag. I have to write the title tag, so I have to close the title tag. So in tags को open करने के साथ साथ हमें close भी करना पड़ता है. लेकिन कुछ tags ऐसे होते हैं जिन्हें बिना close किए काम भी चल जाता है, जैसे HR tag होता है, BR tag होता है. आपको उसका भी example मैं दिखाऊंगा इसी में है. देखिए, एक example ये है BR tag, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं. तो tags, I think you are clear, these are tags जिन्हें ओपन और क्लोज करना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए. दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की बात की जाए तो इन टेक्स्ट के अंदर लिखे वर्ड्स ही आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं. इट मीन एलिमेंट, HTML इज द एलिमेंट, हेड इज द एलिमेंट, टाइटल इज द एलिमेंट. दे आर सो मेनी एलिमेंट्स विच इज अवेलेबल इन द टैग. ओके, एंड द लास्ट वन. और एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड द कंटेनर एलिमेंट, एंड सेकेंड वर्ड, दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी एलिमेंट्स. ओके, तो दीज आर द कंटेनर एलिमेंट्स. कंटेनर एलिमेंट्स और एम्प्टी एलिमेंट में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि कंटेनर एलिमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं. इट मीन दिस इज ओपनिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग. बट एम्प्टी टैग में ओपनिंग टैग तो होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द क्लोज एम्प्टी टैग BR. इसकी जगह हम HR हॉरिजेंटल रूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट इज कॉल्ड द HR टैग, BR टैग, जो कि हमारे क्लोजिंग एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं. क्लियर है? तो दीज आर द लास्ट क्लास डिस्कशन जो कि हम लोगों ने किया था. आई होप सबको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने उसको दोबारा से रिव्यू कर दिया है कि आप सब लोग को कम से कम लास्ट क्लास का कुछ तो याद रहे. ठीक है, प्लीज़ उस चीज़ को रिवाइज करते रहिए रेगुलर. अब हम आगे बात करते हैं. तो एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, where I have to start the HTML, I have to close the HTML. So this is the my opening and closing tag. किसी भी HTML कोड को लिखने के लिए मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की. तो जो फर्स्ट टैग है HTML, यहाँ से हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है. और ये नॉर्मली आप लोग क्या करोगे, जब भी आप HTML कोड लिखने जाओगे तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. सबसे पहले आप लोग जाएंगे स्टार्ट बटन पे, then go to the notepad. notepad हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है. ओके, टेक्स्ट एडिटर का मतलब
हम लोग नॉर्मली इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टेक्स्ट एडिटर। और HTML कोड्स को लिखने के लिए सबसे अच्छा एडिटर यही माना जाता है। ठीक, आप चाहें तो इस पर अपने सारे टेक्स्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट हमें बाद में शो होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट हमें लिखने के बाद जब हम सारे टेक्स्ट लिख लेते हैं तो इस फाइल को हमें सेव भी करना पड़ता है। नॉर्मली अगर ये फाइल हम बिना किसी टेंशन के सेव कर दें, कंट्रोल एस के थ्रू सेव करें, तो फाइल सेव होती है इससे, TXT, दिस इज योर एक्सटेंशन। यानी अगर आप लोग गौर ना करो और आप टैग ये सारा का सारा यहाँ पे लिखने के बाद, नोटपैड पे लिखने के बाद सेव कर दो, तो फाइल TXT फॉर्मेट में सेव होगी और ये आपका एक HTML डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका नॉर्मली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। दैट्स वाई आई हैव टू सेव माई फाइल विद द सेकेंड एक्सटेंशन कॉल्ड डॉट HTML और डॉट HTM। ओके, दीज आर द टू एक्सटेंशन जिससे हमें अपनी फाइल को सेव करना है। जैसे ही आप अपनी फाइल को इन एक्सटेंशन के थ्रू सेव करेंगे, आपकी एक नॉर्मल फाइल एक आपकी वेब पेज के रूप में, यानी वेब पेज बन जाएगा वो। ओके, नॉर्मली आप लोग देखते हो कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ आता है, जैसे ही आप लोग इसको .html या .html के नाम से सेव करेंगे या एक्सटेंशन लगा के सेव करेंगे, ये आपकी फाइल कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी एक वेब पेज में। ओके, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो ये इतनी सी छोटी सी बात समझ आई होगी, नोटपैड को ओपन करना है, फिर आपको उस पर कोड लिखना है और ये फाइल सेव करनी है। अब बात करते हैं कोड की। बेसिकली एक प्रोग्राम का दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट वन जिसे हम लोग कहते हैं हेड सेक्शन, ठीक है, जिसे आप लोग हेडिंग बोलते हैं नॉर्मली, एंड सेकंड होता है हमारा बॉडी सेक्शन, दिस इज योर बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में हमेशा हम अपने हेडिंग्स के बारे में बात करते हैं, हम उसके फर्स्ट व्यू के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा जो हेडर है, दिस इज माई हेड सेक्शन। ओके, इस हेड सेक्शन को मुझे कितने कलर में करना है, कि एच मैंने अलग कलर में करा है, सॉरी टी मैंने अलग कलर में किया है, एम मैंने अलग कलर में किया है, एल मैंने अलग कलर में किया है, तो दिस इज माई हेड सेक्शन। और मैं इस सेक्शन को यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ, इट मीन्स मैं अपनी सारी चीज़ों के टाइटल का कलर, डिज़ाइन, बैकग्राउंड सब कुछ मैं कहाँ चेंज करूँगा, हेड सेक्शन में। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सेक्शन, तो दिस इज माई बॉडी सेक्शन। ओके, ऑल दिस या जो ये प्रोग्रामिंग लिखी है, तो अगर मैं एक पेज को डिवाइड करूं तो दिस इज माय हेड सेक्शन और दिस इज माय बॉडी सेक्शन। और बॉडी सेक्शन के अंदर मैं अपनी सारी डिटेल को फिल करता हूं, यानी HTML से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं अपनी बॉडी सेक्शन में उसे डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने यहां पे क्या हेडिंग दिया है, माय फर्स्ट पेज। ओके, माय फर्स्ट पेज। और मैंने बॉडी में क्या डिफाइन किया है, माय नेम इज अनिल। वैसे तो आप सभी को पता है कि मेरा नाम अनिल है और मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं, ये भी पता है, पर मैंने यहां पे कंप्यूटर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं। ओके, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। ओके, तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन जो कि मैंने यहाँ पे बॉडी सेक्शन में दिया है। तो इतनी सी बात शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी कि HTML का बेसिक क्या है, HTML का मतलब क्या होता है, HTML को कोड्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, कहाँ डिज़ाइन किए जाते हैं और किस तरीके से हम उसकी फाइल को सेव करते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देंगे, मुझे कॉल कर देंगे। तो एक छोटा सा ब्रीफ फिर से लेते हैं। HTML मींस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज मींस वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और हमारे सबसे ईजी प्रोग्रामिंग इसी पे होती है। ओके, हमारे एडिटर्स की बात की जाए तो नोटपैड और वेबसिंग हमारे एडिटर्स होते हैं। वेबसिंग का हेल्प हम लोग तब लेते हैं जब हमें कोड के साथ साथ उसका आउटपुट सामने चाहिए होता है। तो वेबसिंग एडिटर क्या करता है, हम जितने कोड्स लिखते हैं उसका आउटपुट सामने दिखाई देता रहता है। नोटपैड पे हम जो भी कुछ लिखते हैं उसे रन कराने के लिए हमें ब्राउजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ब्राउजर्स क्या होते हैं, ब्राउजर्स एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिस पे हम कई तरीके के प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। ओके, तो दिस इज माय शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML। ओके, HTML के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा अपने टॉपिक्स की, HTML के जो मैंने कोर्स बनाए हैं। HTML के लिए मैंने एक PPT बनाई है जिसमें मैं आप सभी को इन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट इज
rule for writing the HTML code. Okay. Second point is HTML document structure, जो कि मैंने document structure आपके सामने रखा है, लेकिन इसे अब हम थोड़ा सा brief में समझेंगे. यहाँ तो मैंने short आपको समझा दिया था. And third one is formatting elements. Elements के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के elements हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, जिसमें हम tags का use करेंगे, और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे. तो just wait, और मैं आपको ले चलता हूँ सीधे आपके PPT पे, जहाँ मैंने PPT का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ समझ में आ जाए, और उसके बाद जो चीज़ समझ में ना आए उसके लिए मैंने PPT बनाई है. ओके, थैंक यू. चलो अब हम लोग उस पर बात करते हैं PPT पे. ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने बोर्ड पे छोड़ा था. अब हम लोग PPT में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द PPT ऑफ पॉइंट्स विच इज़ लेफ्ट ऑन द बोर्ड स्टार्ट विद. तो देयर आर द HTML सेकेंड पार्ट. जब मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, उसके बाद से हमें कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना था. तो पॉइंट्स आर देयर रूल्स फॉर राइटिंग कोड. फर्स्ट वन इज़ रूल्स फॉर राइटिंग कोड. सेकेंड वन स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. फॉर्मेट एलिमेंट्स, कास्केड स्टाइल सीट, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ और टेक्स्ट फॉन्ट. ये टोटल आपके HTML के फर्स्ट पार्ट के, जो फर्स्ट आपका लेसन है, लेसन नंबर 6 है, उसके ये पार्ट्स हैं. ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्टार्टिंग ये थ्री पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे. और डिस्कस करने के बाद हम लोग ये पता करेंगे कि HTML कोड्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आज हमें मिलती है. ओके, स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट PPT. ओके तो फर्स्ट वन है रूल्स फॉर राइटिंग कोड्स. अब आप लोग कोड्स लिखते हैं, तो कोड्स आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते. देर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग कोड्स, कि कैसे आपको टेक्स्ट को लिखना है, कैसे आपको टेक्स्ट को क्लोज़ करना है, कहाँ क्लोज़ करना है, उसके अंदर क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं. दे आर सो मैनी रूल्स. ओके, तो स्टार्ट विद द फर्स्ट. मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख जाए, आप इधर आ जाएँ. ओके, टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट्स आर नॉट द केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव ये जो आपको दिखा है ना, केस सेंसिटिव इस मीन्स आप हेड को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, हेड को स्मॉल में भी लिख सकते हैं. देर आर नो रूल्स कि आप उसको केस सेंसिटिव, अगर एच का हेड का एच कैपिटल हो गया या बॉडी का बी कैपिटल हो गया तो कोर्स आपका गलत होगा. बिल्कुल गलत नहीं होगा. आप चाहें तो कैसे भी अपने टैग्स को आराम से लिख सकते हैं. ओके, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज कंटेनर टैग शुड बी ऑलवेज बी क्लोज्ड. बिल्कुल सही है. जब आप किसी टैग को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं, आपकी है. कोई पड़ोसी तो शायद क्लोज करेगा नहीं, और क्लोज आप करेंगे नहीं तो उसके अंदर जितना भी आपने वैल्यूज़ लिखी हैं वो किसी भी तरीके से वैल्यूएबल नहीं रहेंगी. इट मीन्स वो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा. दैट्स वाई यू हैव टू क्लोज द कंटेनर टैग विद द स्टार्टिंग टैग एंड द ऑफ टैग. ओके, नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू शुड बी इनक्लोज विद इन क्यूटोज. इसे कोट्स बोले जाते हैं. ठीक है, ये जो वैल्यू है जिसे आप लोग टैग्स बोलते हैं, तो दीज आर द कोट्स. हमेशा वैल्यू को इसी के अंदर लिखा जाता है, यानी हेड को आप इसके बाहर नहीं लिख सकते, आप बॉडी को इसको बाहर नहीं लिख सकते, आप किसी भी वैल्यू को इसके बाहर नहीं लिख सकते. यानी अगर आपने एक ये लिखा है तो इसके अंदर वैल्यू लिखने के बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, जिसे आप क्लोज करते हो. इसी के बीच में लिखे हुए सारे कोट्स को अप्लाई किया जाता है ब्राउजर्स पे, उसी पे आपके रिजल्ट्स आते हैं. That's why you have to write all the quotes between these two tags. Okay. Next, attributes value can be case sensitive. Yes, जो आप attributes लिखते हैं, जो attributes का मतलब होता है जो value लिखी जाती है inside it. ठीक है, इसमें आपने head तो लिख दिया. Head लिखने के बाद writing मेरी बहुत सुंदर है, so please enjoy कीजिएगा. तो head को लिखने के बाद मान लीजिए आपको कुछ और भी लिखना है. Example के तौर पर आपको लिखना है width, आपको लिखना है फॉन्ट साइज़, आपको लिखना है फॉन्ट कलर. माय गॉड, ये तो चाइनीज़ हो गया. ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट कलर की जो वैल्यूज़ आप लोग कोट करेंगे वो केस सेंसिटिव हो सकते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. उसके कोर्स हम आगे आपको पढ़ाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन है यू हैव टू क्लोज द टेक्स्ट सीरियल ऑर्डर. एग्जैक्टली, मतलब आपको उसको सीरियल ऑर्डर में लिखना है. कि जैसे हेड और टाइटल आया है साथ में, तो ये नहीं है कि हेड पहले लिख दिया है तो टाइट हेड यहाँ पे भी पहले क्लोज़ करोगे टाइटल. ये आपका गलत है. मैंने देखो यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि टाइटल के अंदर आपने लिखा है द रॉक. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये टाइटल क्लोज़ करना है. ठीक है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा. जैसे कि अगर आप देखोगे नेक्स्ट लाइन में हेड टाइटल, टाइटल हो आगे, यहाँ पे टाइटल के बाद लिखा द रॉक, तो पहले मुझे इस टाइटल को क्लोज़ करना पड़ेगा. तो ये आपका एक प्री डिफाइंड मैनर है. इसी मैनर में आपको कोर्स भी लिखने हैं. अदरवाइज़ अगर आप कोर्स, मान लीजिए आप टाइटल को क्लोज़ करते हैं उसके बाद, तो वो रन नहीं होगा.
ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको रॉन्ग आंसर देगा या फिर कुछ और ऐसा आंसर देगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट वन इज द नेम शुड बी कंटेन, द नेम शुड नॉट बी कंटेन, टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस. बिल्कुल सही है, जो टैग नेम है, ठीक है, टैग नेम की हम लोग बात करें तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए कभी भी. आप ये चाहो कि उसको बीच में हम स्पेस दे दें, इट्स नॉट पॉसिबल. जैसे ही आप स्पेस देंगे वो उसको कुछ और राइट कर लेगा, यानी एक तरीके से एक वैल्यू और कंटेन कर लेगा वो, और जो कहीं ना कहीं आपके एचटीएमएल कोड के लिए गलत है या फिर आपके डिज़ायर आउटपुट के लिए गलत है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी कहा गया है देयर शुड नो स्पेस बिटवीन टैग्स, यानी टैग्स के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी है उसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. अगर कहीं भी आप स्पेस देते हैं तो वो स्पेस सिर्फ और सिर्फ आप टैग्स के, इन टैग्स के बीच में दे सकते हैं. ठीक है, ये जो क्लोजिंग टैग है आपका, सॉरी, ये जो क्लोजिंग टैग है इसके बीच में आप दे सकते हैं. अदरवाइज आपने अगर यहाँ कहीं टैग्स दिए, जैसे मैंने ये देखो HTML को ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत HTML लिखा हुआ है, ये HTML ठीक है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके टैग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा. आप कहोगे कि हमारा प्रोग्राम ही रन नहीं हो रहा है, आप फिर से इधर आएँ, आपका प्रोग्राम ही रन नहीं हो रहा है. अब प्रोग्राम रन कैसे हो जब आपने यहाँ पे बीच में स्पेस दिया है और वो उस कोड को पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए तो टैग के पहले स्पेस वैल्यू यानी कहीं ना कहीं ब्लैंक हो गया उसके लिए, HTML तो बाद में रीड करेगा. ठीक है, दैट्स वाई आई थिंक इतनी सी बात क्लियर होगी. अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो यू कैन कमेंट मी. नेक्स्ट, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट. मैंने अभी बोर्ड पे आपको कुछ देर पहले बताया था, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो मैंने बोर्ड पे आपको दो सेक्शन बताए थे. दो सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन इज, आप इधर आए, फर्स्ट सेक्शन इज हेड, फिर से कट गया, फर्स्ट सेक्शन इज हेड एंड सेकंड सेक्शन इज बॉडी. ठीक है, ये आपका बॉडी सेकंड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन है. हेड सेक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, द हेड एलिमेंट इज द कंटेनर ऑफ द मेटा डेटा. मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा. जो आपका डेटा बॉडी सेक्शन के अंदर है उसका जो डेटा है या उसका जो हेडिंग है कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है उसको कंटेन करता है हेड सेक्शन. उसी हेड सेक्शन के अंदर आपका टाइटल भी आ जाता है, उसी हेड सेक्शन के अंदर आपका सब टाइटल भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आप उस पर टाइप कर सकते हैं. तो हेड सेक्शन, द हेड एलिमेंट इज़ द कंटेनर फॉर मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, एंड इट इज़ प्लेस बिटवीन द HTML टैग एंड द बॉडी टैग. ओके, HTML मेटा डेटा इज़ डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, मेटा डेटा इज़ नॉट डिस्प्लेड. ठीक है, तो HTML जो लिखा हुआ है HTML के अंदर, पहली बात तो पूरा का पूरा डेटा आ जाता है. ठीक है, HTML कोड्स का अगर आपने गौर किया होगा तो HTML का पूरा डेटा आ जाता है. ओके, मेटा डेटा टिपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स एंड अनदर मेटा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो डेटा मेटा डेटा है उसका ही काम क्या होता है, वो जो टोटल इन्फॉर्मेशन है उसका एक तरीके से टाइटल पार्ट आपको बताता है. जैसे अगर मैं बताने वाला हूँ कि हीरा ठाकुर ने खीर खा ली है जहर वाली, और बच्चों को कंधे पे बिठा के घूम रहे थे, सेट मैक्स पे रेगुलर बेसिस पे हीरा ठाकुर आते रहते हैं, बस चला रहे हैं आजकल उनके बेटे, तो कहीं ना कहीं ये आपका टोटल डेटा हो गया. अब इसका मैं मेटा डेटा निकालूंगा या पॉइंट निकालूंगा या फिर कहीं ना कहीं मैं इसका हेडिंग निकालूंगा, तो हेडिंग क्या निकलेगा, सूर्यवंशम. ओके, सभी देख रहे होंगे आजकल सेट मैक्स की बहुत प्यारी मूवी है, हमेशा आती रहती है, ऐसा लगता है कॉपीराइट खरीद रखा है. सो अगर आप डेटा की बात करेंगे तो डेटा आपका ये टोटल डिस्क्रिप्शन हुआ, और मेटा डेटा या कहूँ उसके हेडिंग की बात की जाए, हेड की बात की जाए, तो दैट इज़ योर सूर्यवंशम. आई थिंक यू ऑल हैव कंसीडर्ड, समझ में आ गया होगा. मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, नीचे देखिए, आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने नोटपैड में HTML हेड टाइटल के अंदर कह रहे इजियर देन द टफ टाइटल क्लोज हेड क्लोज HTML क्लोज. ठीक है, ये सिर्फ हेड सेक्शन बनाया है, इसमें बॉडी सेक्शन अभी बनाया ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ऊपर सूर्यवंशम तो लिख दिया गया है, नीचे स्टोरी नहीं बताई गई है. अब बात करते हैं बॉडी सेक्शन की. तो बॉडी सेक्शन क्या कहता है, द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, द बॉडी एलिमेंट्स कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ HTML कंटेंट्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट एक्सेट्रा, नोट्स. नोट है, देयर कैन ओनली बी बॉडी एलिमेंट इन द HTML डॉक्यूमेंट. ओके, अगर हम लोग बात की जाए बॉडी एलिमेंट की या बॉडी सेक्शन की, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्शन, रोमांस, दुख, सुख सब के बारे में बताया गया होगा मूवी का. दिस इज़ योर बॉडी सेक्शन. ओके, और HTML में सिर्फ क्या बताएंगे, मूवी का नाम. तो दिस इज़ योर HTML के टू पार्ट में अगर हम एक मूवी को डिवाइड करें, तो कहीं ना कहीं जब आप स्टार्टिंग करते हैं, मूवी जब स्टार्ट होती है तो देखा होगा सीरियल नंबर्स आते हैं,
इसमें हीरो कौन है, सॉरी आर्टिस्ट कौन है, या डायरेक्टर कौन है, या फिर बाकी सब कौन है, ये सारी चीज़ें, तो वो आपका कहीं ना कहीं हेड सेक्शन होता है। बॉडी सेक्शन आपकी टोटल मूवी होती है, जो कि डिस्क्राइब करती है कि उस जो हेडिंग था उसको इसने कैसे जस्टिफाई किया है। क्लियर? बॉडी सेक्शन का भी एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। इमेज सोर्स, जैसे पहला एक लाइन लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, सभी को आसानी से दिखाई देना चाहिए। देखिए फर्स्ट वन है इमेज सोर्स JPEG, यानी home.jpg एक नाम की इमेज उन्होंने की है। पैराग्राफ में नेक्स्ट क्या किया, home2jpg लिखा है। फिर पैराग्राफ, यानी ये कहीं ना कहीं पैराग्राफ लिखने का मतलब है ये नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है। इनपुट टाइप बटन वैल्यू गो, यानी एक छोटा सा बटन बनाया है गो, ऑन क्लिक, जिस पर क्लिक करना है इमेज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लेबल दे रखा है, लेबल आईडी लेबल वन, इमेज का नेम दे रखा है और लेबल को क्लोज किया है, लेबल आईडी दी है लेबल वन, यानी कहीं ना कहीं उस पर लेबल पे लिखा गया होगा लेबल वन और लेबल को क्लोज किया गया है। लास्ट में स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, ये सब आपसे लेना देना नहीं है, पर स्टार्टिंग की जो दो तीन लाइन्स लिखी हुई हैं इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि किसी भी इमेज को शो करने के लिए उन्होंने एक बटन, छोटा सा बटन बनाया है जिसे क्लिक करने के बाद इमेज शो हो। ठीक है, इमेज शो होगा और उस इमेज को, यानी इस बटन को बनाने के लिए उन्होंने जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। बस छोटी सी बात इतनी सी है। ओके, आई थिंक ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप फिर से मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि बॉडी सेक्शन कहीं ना कहीं एक मूवी का ओवरऑल पार्ट होता है और हेड सेक्शन उस मूवी का टाइटल होता है। क्लियर? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, ये एक छोटा सा एग्जांपल फिर से मैंने आपके सामने रखा है, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे बनाया था, तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले क्या हुआ है, हेड सेक्शन आया है, हेड है, हेड से पहले सॉरी HTML है, हेड है, फिर टाइटल आपको एक एग्जांपल दे रखा है, लिंक एक दे रखा है स्टाइल शीट का। ठीक है, उसके बाद उसने स्टोरी दी है, सॉरी स्टाइल दिया हुआ है, स्टोरी कह रहा हूँ, स्टाइल दिया हुआ है, फिर हेड को क्लोज़ किया है उसने, टाइटल को यहीं पर क्लोज़ कर दिया था। अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, उससे रिलेटेड स्टाइल चीज से सारी रिलेटेड यहाँ पे बॉडी दे रखी है, 1, 2, 3, 4 जो भी उसने दे रखा होगा, ये एक तरीके से लिस्ट उसने दे दी है HREF के थ्रू। ठीक है, तो ये सब एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर सिर्फ दिखाया है कि हेड और बॉडी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जो आपका ये फर्स्ट सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हेड सेक्शन है, और यहाँ से लेकर नीचे बॉडी तक, यानी HTML से जस्ट पहले तक, वो आपका बॉडी सेक्शन कहलाता है। क्लियर है? जब आप लोग आएंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं एग्जांपल के तौर पे, टेक्स्ट में थोड़ा सा इन्हें एक एक करके इंक्रीज़ कर देता हूँ, आप इधर आइए। ठीक है, बॉडी टैग है, टाइटल टैग है, कहीं ना कहीं ये आपके हेडिंग्स टैग हैं, पैराग्राफ टैग हैं, कोटेशन टैग्स हैं। ठीक है, तो ये सारे लिंक टैग हैं, वेब ब्लॉग ट्यूटर्स हैं। ठीक है, इमेज सोर्स दे रखा है जिसे URL आप लोग बोलते हो, मैपिंग है, टेबल है, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दे रखी हैं। ठीक है, ये टेबल की रेंज दी जाती है, ये आपका कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई सेल्स को, सेल्स के लिए होता है, सेल्स समझते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, और एंटर द एलिमेंट ऑफ द टेबल TD आपका एलिमेंट्स के लिए होता है, कैप्शन देते हैं हम, बहुत सारे कैप्शन हम बनाते रहते हैं या फिर बना सकते हैं, बेस दे रखा है। तो ये सारे के सारे टैग्स हैं जो कि आप लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इन सारे टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाएगा हम लोग जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ओके, अभी फ़िलहाल आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि इन टेक्स्ट को रीड आउट करना है अच्छे से, कि पता चला कि प्रैक्टिकल वर्क में आपको ले जाया गया और आपको टैग का नाम ही याद नहीं है, कि आपसे कहा कि हेडिंग टैग डालिए तो आपको यही नहीं पता है हेडिंग टैग होता क्या है। दैट्स व्हाई रीड इट केयरफुली, एक एक टैग को आराम से पढ़िएगा, बहुत सारा आपके इसमें सिलेबस नहीं है, सिर्फ बेसिक है, तो इसलिए बेसिक के हिसाब से पढ़िएगा, बिल्कुल डेप्थ में अभी मत जाइएगा, स्टार्टिंग बेसिस है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका मैंने फिर से एक टैग का छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें उन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट वन है आपका बोल्ड टैग, अगर आप गौर करेंगे तो बी से स्टार्ट हुआ है, बी से ही क्लोज हुआ है, दैट इज़ योर बोल्ड टैग। सेकंड वन इज़ इटैलिक है, ठीक है, इटैलिक टैग है। थर्ड वन इज़ अंडरलाइन है, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है। फोर्थ वन आपके एग्जांपल को उसने ग्रीन कर दिया है, यानी फॉन्ट का कलर ग्रीन चाहिए था, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, एग्जांपल फॉन्ट क्लोज, तो ग्रीन किया है, तो एग्जांपल देखो ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है। ये अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन में लाइन वन देखो लिखा हुआ है, फिर लाइन टू, फिर अंडरलाइन को क्लोज किया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेप बाई स्टेप अगर हमें लिखना होता है तो अंडरलाइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कुछ टैग्स होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है HTML टैग का यूज़ करने का। देखो ये आपका टैग नेम है, अभी हम लोग टैग एट्रीब्यूट और एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना, उसमें
तो ये देखो, ये हमारे टैग का नेम है, जैसे आप लोग एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है, ये आपका टैग है जो क्लोज और ओपन होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट का नाम ये है, देखो क्लास इक्वल्स टू प्राइमरी, यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में देखो फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, तो ये जो कलर इक्वल्स टू ग्रीन है दिस इज कॉल्ड योर एट्रीब्यूट। एग्जांपल हेडिंग, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ये आपका स्टार्टिंग टैग है, ये आपका एंडिंग टैग है, ये आपके अफेक्टेड कंटेंट है, यानी जो भी ये आपने क्लास जो प्राइमरी लिखा है ये इस कंटेंट के लिए लिखा है जो कि आपका ये है एग्जाम्पल हेडिंग, इसके लिए लिखा गया है क्लास प्राइमरी, क्लियर है। चलिए, तो ये आपके एलिमेंट्स टैग हैं, HTML टैग्स हैं। अगर किसी को कोई भी ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी। नेक्स्ट, ओके, फॉर्मेटिंग लेवल। फॉर्मेटिंग में आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ हेडिंग, सेकंड वन इज़ पैराग्राफ, लाइन ब्रेक इवेंट और हॉरिजॉन्टल रूल, कमेंट टैग एंड बोल्ड टैग। दीज आर द स्पेसिफिक, आपकी बुक में यही दिए हुए हैं, जस्ट इसीलिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अब इसको मैं एक एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसे इनको राइट डाउन किया जाता है और इनके आंसर्स कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट वन स्टार्टिंग से देखते हैं, आप बीच में आ जाइए। फर्स्ट वन में अगर आप देखेंगे तो ये हेडिंग्स के ऑप्शन हैं, ठीक है। हेडिंग वन आपको डार्क दिख रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हेडिंग को भी इसी तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे गौर करिएगा, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग है, H7 भी हो सकता है, H8 भी हो सकता है। इट मींस जैसे जैसे आप H1, H2, H3 का इस्तेमाल करते हैं आपके हेडिंग की डार्कनेस या उसकी थिकनेस कम होती चली जाती है। ये होते हैं हेडिंग्स के यूज। सेम HTML बॉडी, फिर H1 फर्स्ट हेडिंग, H2 सेकंड हेडिंग, H2 ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक साथ लिखे जा सकते हैं। ऐसे आपने अगर एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद आपको सेकंड हेडिंग चाहिए, देन अप्लाई H2, ठीक है। H1 लिखेंगे तो सेम वैसे ही आएगा, H2 से छोटा हेडिंग चाहिए, H3 यानी हेडिंग के अंदर हेडिंग, फिर हेडिंग, फिर हेडिंग, इस तरीके से यू कैन यूज़ द हेडिंग ऑप्शन, क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन इज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है नेक्स्ट पैराग्राफ पे जंप करने के लिए। पैराग्राफ वन में दिस इज़ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ टू, पैराग्राफ थ्री, यानी मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद जैसे ही मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना होगा तो मैं ये पी का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। पी से स्टार्ट किया, पी से क्लोज किया, दैट इज़ योर पैराग्राफ टैग। आई थिंक यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका लाइन ब्रेक, ठीक है, सॉरी लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक की अगर हम बात करें तो लाइन ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक लाइन लिखी या एक वर्ड लिखा, उस वर्ड के जस्ट मुझे जंप करना है, फिर मुझे दूसरा वर्ड लिखा, फिर मुझे जंप करना है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है पैराग्राफ फर्स्ट में, पैराग्राफ लास्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका एक सिंगल पैराग्राफ है, क्लियर है। ये एक सिंगल पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें देखिए द टू फोर्स, उसके बाद उसने लाइन ब्रेक की है, फिर लाइन ब्रेक्स, फिर लाइन ब्रेक की है इन अ टेक्स्ट, फिर उसने लाइन ब्रेक की है, ये जहाँ जहाँ BR लिखा है इसका मतलब यहाँ से लाइन ब्रेक है, फिर टू यूज़ लाइन ब्रेक। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, BR स्टेटमेंट टू फोर्स, फिर नेक्स्ट में लाइन ब्रेक इन टेक्स्ट यूज़ BR एलिमेंट्स, तो जहाँ जहाँ उसने देखो BR का यूज़ किया है वहाँ वहाँ लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे जंप कर गया है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए इसमें, आई थिंक ओके। नेक्स्ट है आपका हाँ हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल की हम लोग बात करें तो ये देखिए इसने एक ही डॉक्यूमेंट को तीन पार्ट में ब्रेक किया है, गौर से अगर आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन दिस इज योर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रूल, सेकंड हॉरिजॉन्टल रूल। अब देखिए क्या सही में ही लगे हैं, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट में जाके क्या है डिस्प्ले द कंटेंट। अगर गौर करेंगे आप तो डिस्प्ले द कंटेंट और नया स्टार्ट कहाँ से हुआ है, CSS इज़ द लैंग्वेज, ऊपर वाली अगर लाइन में देखेंगे सी, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हुआ है, CSS इज़ द लैंग्वेज स्टार्ट हुआ है, गौर से अगर आप देखेंगे तो ये आपका CSS इज़ द लैंग्वेज है, और बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो कहाँ खत्म हुआ है, डिस्प्ले इज़ द कंटेंट। तो देखो डिस्प्ले इज़ द कंटेंट के बाद ही उसने क्या लगाया है, HR, ठीक है, उसने क्या लगाया है HR। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी HR लगाया, यहाँ पे भी HR लगाया, यानी इतने एरिया को उसने नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रूल में यूज़ करने के लिए HR का यूज़ किया है। और आप यहाँ पे भी गौर करेंगे तो यही काम किया है उसने, और एक हॉरिजॉन्टल रूल, ये जो बीच की लाइन है इसी को हॉरिजॉन्टल रूल कहा जाता है, या कैसे रूलर जिसे कहते हैं उसी का रूल लिया गया है। ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ टेक्स्ट मी,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोल्ड और इटैलिक का, ये आपके ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये आपका बोल्ड टेक्स्ट है। इसी का एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ दिया है, बी को स्टार्ट किया है, बी से क्लोज किया है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ठीक है। उससे पहले नॉर्मल टेक्स्ट था, उसको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही लिखा है। तो ये भी आपका एक तरीके से यूज़ किया जाता है आपके HTML टैग में। अब यहाँ पे देखो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, ये कमेंट, ये कमेंट सेक्शन है आपका, दिस इज़ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को एज अ कमेंट यूज़ किया उसने। ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे ये एक वैल्यू पुट की है, ये कमेंट दिया है इसने, ये दोनों कमेंट आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कोड लिखते समय हम दूसरे को बताते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे किसी का फ़ोटो लगाओ, चाहे कितना भी अच्छा फ़ोटो लगाओ, हम हा 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 की सिमली भेज देते हैं, भले ही उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसने हा हा क्यों किया है, कुछ देर बाद समझ में आता है हमारा ही दोस्त है इसलिए हा हा भेज सकता है। तो ये जो कमेंट लिखा हुआ है, ये कमेंट बताता है, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र, सीधे लिखा हुआ है दिस इज़ अ कमेंट, यानी इस लाइन के रिगार्डिंग अगर मुझे कोई बात लिखनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के टाइम पर पता चले, रिजल्ट के टाइम पे नहीं, तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में डालता हूँ, ठीक है। ये दो कमेंट सेक्शन है, इस तरीके से ओपन और क्लोज किए जाते हैं। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट, ये हैं आपके दो, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं होता है फिर भी देख लेते हैं। OL लिखा हुआ है, ऑर्डर लिस्ट का एक शॉर्ट फॉर्म है OL, दिखाई दे रहा है सभी को, दिस इज OL, OL को ओपन किया है, क्लोज किया है। ऑर्डर लिस्ट है जिसमें कॉफ़ी, टी, मिल्क, ये इसी ऑर्डर में आएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फर्स्ट वन कॉफ़ी, सेकंड वन टी एंड थर्ड वन मिल्क, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट आ गई, क्लियर। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे हम ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, किसी का अल्फ़ाबेटिकल नेम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट चाहिए होती है, पहले ए अल्फ़ाबेट ए वाले आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, सी डी वाले, इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट हम तैयार करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में किसी का कुछ लेना देना नहीं होता इससे, ठीक है। पहले कॉफ़ी है, फिर टी है, फिर मिल्क है, जबकि यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही पुट किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी, ठीक है। सेम उन्होंने एज इट इज़ प्रिंट करा दिया। अब इसमें अगर आप गौर करोगे कॉफ़ी टी मिल्क में, तो ऑर्डर लिस्ट में, हाँ ठीक है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने शो किया है, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसके जो ऑर्डर्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थैंक यू। मतलब ये दे रखा है कि ये आपका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, ये बहुत हंस रहे हैं बाबूजी, चलो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था HTML के बारे में, ठीक है। आगे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी HTML की, उसमें हम लोग रीड आउट करेंगे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, कैसे हम सारे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम सारे बैकग्राउंड्स पे कलर यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, देर आर सो मेनी ऑप्शंस कास्केडिंग स्टाइल शीट में। उसी की हेल्प से हम लोग अपने HTML पेज को, यानी जिसे हम लोग बैक पेज कहते हैं, उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। अट्रैक्टिव समझ रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव। चलिए ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनिल कुमार शो, स्पॉन्सर्ड बाय सिब्रस चिल्ड्रन एकेडमी फॉर द क्लास 8।